फिर से बजाइए। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी सीख गई। आपको ये किसने सिखाया? बोलिए ना, आपको ये किसने सिखाया? याद नहीं बेटा। नंदिनी आंटी। हाँ बोलो। आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, मेरी फेवरेट है ये। मेरी भी। इसके बाद दूसरी फ्लेवर की आइसक्रीम खाएंगे। जो तुम कहो जरूर खाएंगे। आप बिल्कुल मेरे पापा जैसी हो। पापा जैसी? हाँ बिल्कुल वैसी। जब मैं पापा को बोलती हूँ ना आइसक्रीम इज वेरी टेस्टी, वो फौरन मुझे दूसरी आइसक्रीम खिला देते हैं। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं ना? हाँ, वो बोलते हैं कि मैं उनकी प्रिंसेस हूँ। और तुम्हारी मम्मा? मम्मी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा, वो कैसे? बताओ कैसे। हाँ बताओ। एग्जाम चल रही थी ना, तो मैंने पापा को बोला कि मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलिए। पापा फौरन मान गए, मम्मी ने ना बोला और मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आया। ओ, फिर क्या हुआ? फिर मम्मी ने मुझे गले से लगाया और बोला आइसक्रीम खाकर अगर मेरा गला खराब हो गया फिर मैं एग्जाम कैसे दूंगी। मेरी समझ में आ गया और फिर मैंने मम्मी को जाके सॉरी बोल दिया। अभी एक और आइसक्रीम खाएंगे, मगर मम्मी को मत बताना, वो गुस्सा करेगी। नहीं बताऊंगी। नंदिनी आंटी, आप जब हंसती है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। नीति, नीति बेटा, प्रिंसेस वेयर आर यू? अक्षय, नीति बाहर गई है घूमने। बाहर? नीति बाहर गई है, किसके साथ गई है? वो डॉक्टर नंदिनी आई थी ना, उसे आइसक्रीम खिलाने लेकर गई है। विजया, मैंने इसीलिए तुम्हें पहले समझाया था कि अपने स्टाफ के साथ इतनी मेलजोल सही नहीं है, लेकिन तुम्हें अब देखो। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शांत हो जाइए प्लीज। शांत होने की बात नहीं है विजय, जस्ट कॉल डॉक्टर नंदिनी, पता करो कहाँ पे हैं, उनको बोलो अभी इसी वक्त वापस आएं। देखिए, आप हमारे नर्सिंग होम में काम करती ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब भी आपका जी चाहेगा हमारे घर चली आएंगे, हमसे बिना पूछे हमारी बेटी को आइसक्रीम खिलाने दे जाएंगे। दिस इज नॉट डन। पापा मेरी बात तो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। कितने पैसे खर्च किए? 100, 200 बताइए मुझे। नहीं विजय, आई डोंट लाइक दिस। सारे रखिए। बट नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट दिस प्लीज। ये लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। अक्षय, मैंने इससे पहले आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है, बल्कि मुझे ताज्जुब होता था जब वो रतन की इतनी बदतमीजियों के बावजूद आप चुप रहा करते थे। फिर आज आपको क्या हो गया? आज आपने इतनी रूडली डॉक्टर नंदिनी से बात की है, वो बेचारी, उसकी तरफदारी मत करो तुम। डोंट टेक अ साइड। उसे कोई हक नहीं बनता अपनी मनमानी करने का। वो आई थी ना नर्सिंग होम तुमसे मिलने, तुम्हें बता सकती थी कि घर जाके वो नीति को बाहर ले जाना चाहती। हम परमिशन दे देते, मना करते क्या? क्या किया उसने? वहां से सीधे यहां आई और फिर ये।
पर अक्षय, नंदिनी आंटी को मैंने ही बुलाया था पापा। किस कदर चिल्ला रहा था वो मुझ पर, अपमान कर रहा था वो मेरा। देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग, अक्षय भी बदल गया। बेटे, कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप नंदिनी के बारे में बात कर रहे हैं ना? अक्षय ने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ, और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। खामखा डांट दिया उसे। नीति जिद कर रही थी उसके साथ जाने के लिए। मुझे पता है, नीति ने कल कमरे में आके अपने पापा को सब कुछ बताया, और इनफैक्ट अक्षय को भी अफसोस है इस बात का। लेकिन माँ, लेकिन क्या? I don't know. अक्षय शुरू से ही नंदिनी के खिलाफ रहे। मैंने उसे नर्सिंग होम में जॉब दी, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मैंने नंदिनी की तारीफ की, कहा कि मुझे उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहिए, तो वो एकदम से भड़क गए मुझ पर। कहने लगे कि हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ इतना मेलजोल अच्छी बात नहीं है। I don't know. कोई रीजन होगा अक्षय के पास फिर। मैम, 11 नंबर पेशेंट मिस अग्रवाल का आज डिस्चार्ज है। वो कह रही थी वो बिल के सारे पैसे अभी एक साथ नहीं दे सकती, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इंस्टॉलमेंट में देना चाहती है। जेनिफर, तुम्हें पता है ना कि हमारे जो पेशेंट्स एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, हम उन्हें कंसेशन देते हैं। यस मैम। तो आप मिसेस अग्रवाल से कहिए कि अपनी सहूलत के हिसाब से पेमेंट करें। ओके मैम। आप यहाँ? मेरी कुछ पेमेंट बाकी है, उसका चेक लेने आई हूँ। तो आप यहाँ क्यों बैठी हैं, मेरे कैबिन में आ जाती। इट्स ओके मैम, चेक। थैंक यू। थैंक्स मैम। तो मैं चलूं? एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, आप हमारे नर्सिंग होम में काम करती ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब भी आपका जी चाहेगा हमारे घर चली आएंगी, हमसे बिना पूछे हमारी बेटी को आइसक्रीम खिलाने दे जाएंगी। दिस इज नॉट डन। वो नहीं आ रहे थे, मैंने उन्हें जिद करके बुलाया। मैंने बोला आइसक्रीम खिलाने ले चलेंगी, नानी ने बोला मम्मी पापा आएंगे तो उनको पूछ कर जाना, लेकिन मैं प्लीज, हो सके तो आप भी उससे माफी मांग लीजिएगा प्लीज। हेलो नंदिनी। हाँ, बोल रही हूँ। अक्षय। एक बार फिर सोच लो अक्षय, क्यों मिलना चाहते हो नंदिनी से? नफरत करती है वो तुमसे। नंदिनी, इस दुनिया में हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है, और अगर देखा जाए तो ना तो कोई पूरी तरह अच्छा होता और ना बुरा, बस कुछ हालात उन्हें बदल देते।